दोस्तों, हैकर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसके बारे में सोचते ही हमारे माइंड में ऐसे लोगों के चेहरे आने शुरू हो जाते हैं जिन्होंने मास्क पहने होते हैं, जो कि ब्लैक कलर के रूम्स में होते हैं और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जान के हमारे लैपटॉप और हमारे कंप्यूटर्स में घुस के हमारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और हमारा जितना भी पैसा पड़ा होता है उसको पल भर में चुरा लेते हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसे एथिकल हैकर्स होते हैं जो कि इस अच्छी फील्ड में होते हैं और सरकार और बाकी लोगों की मदद करते हैं अच्छे कामों के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे हैकर्स के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और अपनी हैकिंग स्किल को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर लिया। हेलो गाइज, मैं हूँ अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्ताजी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ब्लैक हैट हैकर्स को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हैकर्स होते क्या हैं, कौन से हैकर्स जो हैं वो अच्छे काम करते हैं, कौन से हैकर्स जो हैं वो बुरा काम करते हैं, कौन से हैकर्स जो हैं रैगिंग करते हैं जो कि हैकिंग की फील्ड में होती है। तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी लेवल है उसको इम्प्रूव करके जो पर्सन किसी गवर्नमेंट की या किसी ऐसे पर्सन की मदद करे उसको वाइट हैट हैकर्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास आता है ग्रे हेड हैकर्स जो कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को वायलेट करते हैं और फन करते हैं। दोस्तों, लास्ट के ऊपर बात करें तो ये आता है ब्लैक हेड हैकर्स जो कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो ले लेते हैं, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसको इलीगल तरीके से करने की ये कोशिश करते हैं। और इनका दोस्तों मिशन होता है किसी भी सिक्योरिटी को इलीगल एक्सप्लॉइट करना। और दोस्तों, इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत ही डीपली जाके किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसको तबाह व बर्बाद कर देते हैं। तो आए जानने की कोशिश करते हैं तीन ऐसे डेंजरस हैकर्स के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। नंबर वन की अगर बात करें तो हमारे पास आते हैं केविन मिटनिक। केविन मिटनिक की बात करें तो लिस्ट में सबसे टॉप का नंबर जो है इनका बनता है। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे मोस्ट डेंजरस कंप्यूटर हैकर हैं जिसको अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का एक्ट लगाया था। दोस्तों, आपको बताता चलूंगा कि जो मिटनिक है इन्होंने अपने हैकिंग करियर की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, और उसके बाद उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन डिफेंस कमांड हैक कर लिया और हैक करने के बाद वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए। इसके बाद इनके ऊपर एक गेम भी आई थी जो कि वार गेम है, वो भी इनकी हैकिंग स्किल से इंस्पायर होकर ही बनाई गई थी। दोस्तों, यही नहीं, 1989 में इन्होंने डिजिटल इक्विपमेंट सिस्टम को भी हैक कर लिया जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, उनको 5 साल की सजा हो गई, जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद वो अब पब्लिकली कंसल्टेड हो गए हैं जो कि सिक्योरिटी एनालिसिस के ऊपर अभी बात किया करते हैं। अब इनकी एक कंपनी है LLC के नाम से जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट कर रही है और सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छी उसकी ग्रिप है। दोस्तों, नंबर टू की बात करें तो हमारे पास आते हैं अल्बर्ट गुंजालेज। इन्होंने अपने हैकिंग करियर को अपने स्कूल से ही स्टार्ट कर दिया था जो कि बाद में इनकी कामयाबी का बाइस बनी। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो एक क्रिमिनल वेबसाइट में इंक्लूड हो गए जहाँ पे उन्होंने अपने अकाउंट्स बना लिए और बाद में वो बेस्ट हैकर्स वहाँ पे डिक्लेयर किए गए। और दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम था शेडो क्रियू और इस वेबसाइट के इख्तिताम के बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों का पर्सनल डेटा भी हैक कर लिया और उसके बाद उन्होंने क्रेडिट कार्ड जो थे वो भी बल्क क्वान्टिटी में हैक किए हुए थे, जिसके बाद न्यूयॉर्क की जो सिक्योरिटी थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको पकड़ लिया और बाद में इसको सजा भी हुई। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि जेल में बैठ के भी वो अपनी हैकिंग जो थी उसको उसने जारी रखा और बहुत सारी कंपनीज के साथ उसने कनेक्टिविटी अपनी कर ली, जिसके बाद उसने बहुत सारे और भी क्रेडिट कार्ड्स को चुराया और 145 मिलियन के करीब ट्रांजैक्शंस जो थी उसको सक्सेसफुली अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी किया। और फ्रेंड्स, बाद में जब वेरिफिकेशन हुई तो TGX की जो कंपनी थी $256 मिलियन की उन्होंने चोरी की थी, बाद में पुलिस ने इनको पकड़ लिया और 20 साल की इनको सजा भी हुई। दोस्तों, नंबर तीन की बात करें तो हमारे पास आते हैं जोनाथन चेन्स। दोस्तों, बाकी हैकर्स की तरह इन्होंने भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज को हैक किया जो कि पॉसिबल नहीं था। जिस चीज को इसने हैक किया, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस और जिस वजह से इसको टॉप हैकर्स की लिस्ट में भी शामिल किया गया, और वो था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। और फ्रेंड्स, सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब इसने पहला सिस्टम हैक किया तो इसकी उम्र जो थी वो 15 साल की थी, और पुलिस को इंटरव्यू देते वक्त इसने ये कहा कि मैं कुकूज एग्स
एक मैगज़ीन है उससे मैंने इंस्पायर होके ये चीज़ की है, जो कि बहुत सारे सीक्रेट्स बताती है किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए। और इसके बाद इनको सजा हुई, जिसके बाद 6 महीने के लिए इनको नज़रबंद कर दिया गया, और उसके बाद रिक्रिएशंस कंप्यूटर्स के इस्तेमाल के ऊपर इनको टोटली बैन कर दिया गया। हालांकि दोस्तों बात इतनी बड़ी नहीं थी, प्रोविजनल्स वॉल्यूशंस के तौर पे इनको सिर्फ 6 महीने के लिए नज़रबंद किया गया। उसके बाद ये मोटिवेशनल कंसल्टेंट बन गए सिक्योरिटी को लेके। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन फ्रेंड के साथ जो कि हैकर्स बनना चाहते हैं और अपनी मोटिवेशंस को और इम्प्रूव करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड, हैकिंग के रिलेटेड डेली बेस के ऊपर वीडियोज़ अपलोड होती हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।